यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए को तमिलनाडु के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इसकी अवधि 12 महीने की है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद मनीष कश्यप को अब 11 महीने तमिलनाडु के जेल में बिताने पड़ सकते हैं। पिछले हफ्ते ही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था और एनएसए से राहत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा था। तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक मनीष कश्यप पर एनएसए लगाने का फैसला 12 महीने तक प्रभावी रहेगा। मनीष कश्यप बीते 5 अप्रैल से तमिलनाडु में मदुरई की सेंट्रल जेल में बंद है। 5 अप्रैल के बाद से अब तक 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। चूंकि एनएसए की अवधि 12 महीने की है, ऐसे में यदि मनीष कश्यप को जमानत नहीं मिलती है तो 11 महीने और जेल में बिताने पड़ सकते हैं। एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यदि प्रशासन को लगता है कि किसी व्यक्ति से राज्य और समाज को खतरा हो सकता है तो उसको एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाता है। एनएसए का इस्तेमाल डीएम कमिश्नर अथवा राज्य सरकार कर सकती है। एनएसए एक तरीके से प्रिवेंटिव कानून है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इंदिरा गांधी की सरकार में अस्तित्व में आया था। 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा कानून संसद से पास हुआ और 27 दिसंबर 1980 को ये कानून बन गया था, जिसके तहत अब मनीष कश्यप को गिरफ्तारी दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए में कहा गया है कि किसी भी आरोपी को 3 महीने तक बगैर जमानत हिरासत में रखा जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर ये अवधि 3-3 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है। एनएसए के तहत किसी भी आरोपी को अधिकतम 12 महीने के लिए जेल में रखा जा सकता है। 8 मई को ही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि तमिलनाडु एक शांत राज्य है और अपने फेक वीडियोस के जरिए अशांति फैलाने का प्रयास मनीष कश्यप ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि हम आर्टिकल 32 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करने के इच्छुक नहीं है, आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारी प्रवासियों पर कथित हमले से जुड़े फेक वीडियो बनाने और प्रसारित करने का आरोप है। कश्यप के खिलाफ कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं। 3 FIR बिहार में और 3 FIR तमिलनाडु में दर्ज हैं। तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए भी लगाया है। मनीष कश्यप ने 18 मार्च को बिहार के बेतिया से सरेंडर किया था। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई थी, तब से वहीं जेल में बंद है। मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद उनके परिवार ने साजिश का आरोप लगाया है। मनीष कश्यप की मां ने एक इंटरव्यू में कहा कि सबूत के नाम पर तारीख मिल रही है, मेरे बेटे को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मनीष कश्यप की मां ने कहा कि जेल से रिहा होने के बाद वो अपने बेटे को पत्रकारिता नहीं करने देंगे और वो अपने बेटे को इन सब चीजों से दूर रखेंगे। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।